पूरा शक है कि इसके अंदर पुलिस का हाथ है। एक्सीडेंट है तो उसकी फुटेज कहाँ है? देखना चाहते हैं जो छोटा स्कूटी के टायर के अलावा दूसरा टायर है जो उस गाड़ी के पीछे है, वो जिप्सी का है। एक्टिवा के साथ में बड़ी गाड़ी के टायर के भी निशान है। देश की राजधानी दिल्ली की चौड़ी सड़कों पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने की आदत ने तीन घरों की खुशियां चंद लम्हों में छीन ली। रिश्ते में भाई लगने वाले 15 से 18 साल के एक ही खानदान के तीन लड़के अकाल मौत की गोद में सो गए, पीछे तमाम तरह की बहस और सवालात छोड़कर। पीड़ित परिवार इसे सीधे सीधे हत्या बता रहे हैं। उनका तर्क है कि दिल्ली पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग टीम दोपहिया वाहन का पीछा ना करती तो शायद हादसा ना होता। बच्चों के साथ मारा गया है उनको, जी उनको मारा गया है। हाँ, हर एंगल से दिखाया, मारा गया है। ये तो पुलिस फोटेज देती नहीं है, ये तो पुलिस ने जिसने जो क्रिमिनल है जिन्होंने मेरे बच्चों को हमारे बच्चों को मारा तीनों को, उनसे पुलिस ने पता खा दिया, फोटेज डिलीट कर दी है। इन गंभीर आरोपों से हड़बड़ाई दिल्ली पुलिस, जांच अभी जारी है कहकर अभी तक घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने लाने से आंखें चुरा रही है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की दलील है कि यह एक दुखद अनहोनी है न कि षड्यंत्र। दिल्ली पुलिस के मुख्य प्रवक्ता और मध्य जिले के डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा, जिनके इलाके में दिल दहला देने वाली घटना घटी, उन्होंने घटना के 16 घंटे बाद सामने आकर बताया। शनिवार की रात दिल्ली के प्रेस एरिया के सामने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास हुआ यह महज एक हादसा है। हादसे की जड़ में पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग टीम की कोई भूमिका नहीं है, जबकि घर वाले सीधे सीधे दिल्ली पुलिस पर क्या आरोप लगा रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए। एक्टिवा के स्पीड में थी, एक्टिवा स्पीड में नहीं थी, एक्टिवा के साथ में बड़ी गाड़ी के टायर के भी निशान है जिनने इसको हिट करा है। खून का निशान थे सारे, खून के पूरी सड़क पर खून के निशान है। और बच्चे एक के ऊपर एक, बच्चे एक के ऊपर एक पड़े हुए थे। एक्सीडेंट में तो बिखर जाता है, बिखर जाता है उसका जो गाड़ी का एसेसरी है वो भी बिखर जाती है, वो भी एक जगह पड़ी हुई थी। शनिवार 30 नवंबर की रात करीब 10:30 बजे हुए इस संदिग्ध सड़क हादसे में जान गंवाने वाले किशोर, शाद, हमजा और ओसामा घटना वाली रात तुर्कमान गेट इलाके में एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। वहीं से वे तीनों दिल्ली की सूनी और खूनी सड़कों पर निकल पड़े। कुछ देर बाद ही तीनों की मौत की खबर पहुंची तो घर खानदान में कोहराम मच गया। हमें पूरा पूरा शक है कि इसके अंदर पुलिस का हाथ है या जिसका भी हाथ है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जिस सीसीटीवी कैमरे में घटना रिकॉर्ड हुई वही आखिर सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद मिले? दिल्ली के मध्य जिले के डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा की कथित दलील कि लड़कों का पीछा पुलिस की टीम नहीं कर रही थी मान भी ली जाए तो इस घटना को मीडिया से घंटों छिपाए रखना ही पुलिस की करतूतों को संदेह के घेरे में घेरने के लिए क्या काफी नहीं है? इसके चलते इतने सनसनीखेज हादसे की खबर देने की फुर्सत जिले के डीसीपी रंधावा को 16 घंटे बाद मिली। हमारा सबका मानना है कि मर्डर है। मर्डर किस लिहाज से आप कह रहे हैं? एक्सीडेंट बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, ये एक्सीडेंट है तो उसकी फुटेज कहाँ है? हम सब लोग इसीलिए खड़े हुए हैं कि हमें एक्सीडेंट की फुटेज दिखा दी जाए ताकि हम लोग सब शांत हो। ऐसे में परिवार के आरोपों को सिरे से भी नकार देना नामुमकिन है। और फिर यह भी साफ है कि धुआं वहीं उठता है जहां कभी आग लगी होगी। मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस जरूरत से ज्यादा जो समझदारी हादसे के बाद दिखाने की कोशिश कर रही है। अपनी होशियारी अगर हादसे के तुरंत बाद दिखाकर घायलों को अस्पताल पहुंचवा दिया होता तो शायद तीन में कोई परिवार तो उजड़ने से बच ही जाता। कैमरामैन आलोक भटनागर और अनुपम गौतम के साथ संजीव कुमार सिंह चौहान, INS TV दिल्ली।